पावन अपनी हाथ उठे, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहोभाग्यशाली कल्याण का निधियो बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इसने भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए हम लोग इन दिनों अत्यंत क्रांतिकारी एवं लाभकारी विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। साधन विघन, इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही है। मेरे देवी मेरे सज्जनों, एकाग्र हो जाइए। उस विघन में मां पुष्यता में दे गए मंद वैराम विघन होता है। इस जन्म में फिर जीव इंसाफ नहीं कर सकता जिसका मंद वैराम है। किसी कारण से ट्रेन को देरी हो जाए, पूरी कोशिश करता है अपनी रफ्तार बढ़ाकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए। इसी तरह हमें देरी हो चुकी है और हम कल्याणकामी भी हैं तो रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात अपने मन को तीव्र वैरागी बनाना होगा। घबराइए नहीं, मुझसे जानकारी लीजिए, अपनी अवस्था निहारिए और अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिए। वैराग हो तो तीव्र, मंद वैराग की कभी अप कभी डाउन। इस तरह जिंदगी के दिन कट तो जाती है पर साधना पूरी नहीं होती। और जरा विचार करें, कल तो हमने वैराग के बारे में इतना सोच लिया कि संसार की ओर आकर्षण होना राग है और संसार से विकर्षण हो जाना विराग है। संसार में अगर आप मन को समझा चुके हैं तो बहुत अच्छे। सबसे बड़ा अवगुण यह है कि यहां की कोई भी वस्तु टिकी हुई नहीं है, कोई भी प्राणी पदार्थ चाहे बहुत ही अच्छा लगता हो पर इस अवगुण को देखकर मन हमारा गंभीर हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, वैराग को समझ लेना ही तो पर्याप्त नहीं है, वैराग को तेज भी तो करना चाहिए अवश्य। आज का हमारा यही विषय है, मंद वैराग को डल वैराग को तीव्र कैसे किया जाए। इंटेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे इंटेंस कैसे बनाए। लो सुनो अपने मां पुरुषों के कमाल के अनुभव और एकाग्र हो जाइए। वैराग को तीव्रतम कैसे किया जाए, तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम। सज्जनों कल्याण कामी देवियों, मन की अनेक वृत्तियां होती हैं। वृत्तियों को अंग्रेजी में आप वेव कहिए, वेव मैंने लहरें, लहर जैसे उठी थोड़ी देर रही और फिर पानी में समा गई। इसी तरह मन के अंदर वृत्तियां उठती हैं, थोड़ी देर टिकती हैं फिर समा जाती है, फिर एक और वृत्ति भी क्यों उठ खड़ी होती है। इस तरह एक सामान्य और साधारण मनुष्य के मन में वृत्तियां उठती रहती हैं जैसे बहती नदी में लहरें उठती रहती है। वैराग इन सबको बंद कर देता है। वैराग एक इतनी अच्छी लहर है
इतनी अच्छी मानसिक वृत्ति है, संसारिक वृत्तियों को खा जाती है। और हम सबके लिए जो कल्याणकामी है, अनिवार्य गए इस बलवती वृत्ति का आंतरिक रूप में सदा के लिए टिक जाए। वैराग तो जीवों को हर एक को होता है, लेकिन वो दूध के जोश की तरह सिद्ध होता है। अचानक किसी की मृत्यु हो गई, कुछ दिन वैराग रहेगा। अचानक कारोबार में घाटा पड़ गया, वैराग रहेगा। कोई बात हमारे अनुकूल नहीं हुई, वैराग रहेगा। ये वैराग शमशानी वैराग कहा जाता है। लेकिन जो विचार के आधार पर वैराग उठता है, वो भगवान के चरणों में हमें ले जाएगा। विचार के आधार पर अर्थात विवेक के आधार पर, ध्यान देना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, इंसान में ये फैकल्टी केवल मनुष्य योनि को मिली है, बाकियों को नहीं। बाकी जीव दृंदे पृंदे चिंदे अपने दानव वर्ग, इनको आजादा ना सोचने की ताकत भगवान ने दी नहीं। इतनी समझ साधारण दी है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जिंदा रहना और अपने जैसे जीव कैसे पैदा करके मर जाना, बस ये बाकी वर्ग को पता है। मनुष्य वर्ग में एक विशेषता है, ये सोच सकता है, विचार कर सकता है, उचित अनुचित में तमीजी कर सकता है। तो आइएगा, विचार वैराग विवेक से पैदा होता है और विवेक एकांत में बैठकर अपने अनुभव पर बार बार विचार किया जाए, या आपकी तरह सत्संग मिल जाए, या गीता जी को समझने की बुद्धि मिल जाए। तीन ही साधन बता गए। या तो खुद बैठ के अपने अनुभव पर विचार करें, विवेक जागृत हो जाएगा, या सत्संग मिल जाए, और तीसरा तरीका है शास्त्र पढ़े जाए। शास्त्र पढ़े जाओ, भगवान जी बुद्धि दे समझने की। मेरे विचार में तो आपको तीन ही मेरे इष्ट देव भगवान जी ने प्रदान किए हुए हैं। तो विवेक, गोसाई जी ने अपनी रामायण की शुरू भी तो यहीं से किया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। आगे कमाल कर दिया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग राम की कृपा के बिना हो मिलता ही नहीं। बाकी हर जगह जाने को मन तैयार है, सत्संग में टंटे खड़े करेगा, नाना प्रकार की बाधाएं उपस्थित करेगा। बाकी जगह हर समय तैयार है मन, क्योंकि संस्कारों की कमी। तो सत्संग में विवेक मिलता है। विवेक अर्थ सत असत की पहचान। इन्हीं दोनों की तो मिला के सृष्टि बनाई गई है मालिक द्वारा। एकाग्र रहना, कैसी खूबसूरती से भगवान ने इन दोनों को मिलाया है, कैसी सिस्टमेटिकली अर्थात सुव्यवस्थित रूप से इन दोनों को इंटरमिंगल किया है। कोई कारीगर क्या चीजों को मिलाप करेगा, जैसे भगवान ने सत असत का आपस में, जड़ और चेतन का, स्थावर और जंगम का, चर और अचर का आपस में मिलाप किया है। ऐसा मिलाप कोई नहीं कर सकता कि जड़ चेतन प्रतीत होता है, अपने शरीर को ले हम दूर ना जाए। कौन कहने को तैयार है कि ये मुर्दा है, हालांकि ये मुर्दा है, भगवान की शक्ति से चल रहा है, भाग रहा है, एक एक अंग अपना अपना काम किए जा रहा है, पर हमें तो नजर नहीं आता ये मुर्दा है। जिनमें विवेक जाग उठा है, वो समझ लेती है कि शरीर को चलाने वाले शरीर ही है, शरीर मैंने आत्मा, शरीरी राम में बड़ी ई की मात्रा, तो आत्मा बन जाता है। शरीर को चलाने वाली शरीरी, देह को चलाने वाली देही। हम बोलते देही है, लेकिन देही का मतलब शरीर नहीं होता, देही का मतलब है जो देह को चला रही है आत्मा।
शक्ति जिसके निकल जाने के बाद हमें नजर आता है फलाम मर गया। मरा तो हमेशा हुआ था, हमने पाठ नहीं की, किसने पक्का करवाया। अब चूंकि शरीर जड़ नजर आ रहा है, आत्मा ने छोड़ दिया, अब हम कहते हैं ये मर गया। जिंदा कब था वो? वो तो आत्मा भगवान की शक्ति से चला रही थी। अब इस पर आप एकांत में बैठ के बार बार विचार करें, सोचिए, विवेक जवान हो जाए, अपनी जानकारी की कदर करें। मेरे स्वामी जी ने कहा, अगर इंसान केवल अपनी जानकारी की कदर करे, उसे और साधन ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जितना आप जानती हैं उतना तो अपना लो। आपको पता है कि शरीर असक्त है, इससे मन हटा लो, और इसकी आत्मा सक्त है, उसे मन जमा लो। जितनी जानकारी आपको है, भगवान आपको ताकत दे, इतना तो अपना ले। जैसे रात्रि को आपने शहर से बलदेव नगर जाना है, ये वाया गीता नगरी अंधेरा, तो रोने वाली बात ही कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी जितने तक जाती है वहां तक पहुंचो, वहां से फिर जितने तक जाती है वहां तक पहुंचो, इससे बलदेव नगर पहुंच जाएंगे। अगर वहीं से रोए कि मैंने इतना दूर जाना, टॉर्च की रोशनी जाती है वहां तक, तो कोई नहीं, इसी तरह आगे 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 पहुंच जाएंगे। इससे जितनी हमें जानकारी है, भगवान ताकत देगा, उतना ही अपनाने वाले बन जाए तो आगे विवेक और जाग उठेगा, आगे विवेक और तीव्र हो जाएगा। परमात्मा आपको शक्ति दे, जितना आप जानते हैं उतना तो जीवन में ढालो। तो विवेक बताता है कि असत्य जिसको समझ लिया सकता है, मन हटाते जाना चाहिए, कार्य लेना चाहिए, लेकिन मन नहीं जमाना चाहिए। इससे वैराग पैदा हो जाता है। वैराग किससे? जो प्राणी पदार्थ जा रहे हैं, जो प्राणी पदार्थ अपना मिशन पूरा करके पांच तत्वों में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। सिंपली वो हैव टू रिमूव आवर माइंड फ्रॉम ऑल दोज मॉर्टल ऑब्जेक्ट्स, और कुछ नहीं। वैराग बढ़ने लग जाएगा। ध्यान देना आज नंबर दो, वैराग बढ़ता है अगर कार्य के लिए यक लख तैयार ना हो जाए। कोई भी काम करे, क्योंकि हम लोग कर्म प्रधान योनि में है, कर्म तो हमने अवश्य में करना है, पर करने से पहले ये सोच रहे इसका परिणाम क्या होगा, तो वैराग बड़ी जल्दी जवान हो जाए। मैं करने तो जा रही हूं, पर मैं तो सुख दृष्टि बना के जा रही हूं, मैंने तो एक प्लेजेंट साइड इसकी ली है, पर सचमुच प्लेजेंट साइड है नहीं। बार बार परिणाम देखो। हमारे सब ऋषियों ने इस पे बड़ा जोर दिया है कि जो कल्याणकामी हैं या भविष्य में कल्याणकामी बनेंगे, किसी भी कार्य को जल्दी ना करें, बल्कि सोचे इस कार्य का परिणाम क्या होने वाला है। कितने धंधों से मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आप बच जाएंगे अगर ये गुण अभी अभी अपने मन में रख लो कि मैं कुछ भी करने में, बिजनेस करने जा रहा हूं, मैं नौकरी करने जा रहा हूं, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं शादी करने जा रही हूं, मैं मां बनने जा रही हूं, या मैं कुछ भी करने जा रही हूं। जमाना ऐसा गंदा आ चुका है, करने के बाद रोती हैं, चिल्लाती हैं, फिर सोचती हैं, वो सोचने के फिर बाद भी कोई अर्थ नहीं होता। सोच करने से पहले सोचना चाहिए, तो परिणाम आपको दुख नजर आएगा, बस आपका मन ब्रेक लगा लेगा। नहीं, मेरे पास दुख पहले ही गए, मैं दुख नहीं लेना चाहता। किसी के पास ना रोया करो, हर एक के पास अपना रोना ही खत्म नहीं होता। वो आपके बाद आपको बड़ा बुरा भला कहती है, बहुत ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करती है। हो सके तो संसार के हंसाने वाली बातें करो, रुलाने वाली बातें ना किया करो। संसार बहुत दुखी हो रहा, दिन प्रतिदिन चुके भगवान के मार्ग को छोड़ चुका है, इसलिए अपना रोना किसी के सामने ना रोया करे, एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर दिया करे, भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे तो ठोस लाभ होगा। आज के बाद किसी के सामने रोना नहीं, वो पहले रो रहे गए, हंसाने वाली बात करो,
कोई उनको बिठाने वाली बात करो तो आपका शुक्रिया करेंगे। तो मैं अवश्य में कहूंगा परिणाम पर जोर मारो कि मैंने कोई भी कार्य आज के बाद बिना परिणाम देखे नहीं करना। तो हमारे महर्षि वेद व्यास फरमा गए इससे वैराग बढ़ता जाए, अर्थात आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे लेकिन उलझे हुए दिखाई नहीं देंगे। वाली नारी का चोला गए, आप अपने कर्तव्य कर्म तो पूरे करोगी, जरा होश आवाश टिका के सुनना मेरी देवी, कार्य से आप पीछे नहीं हटेंगे। गीता किसी को शर्क वर्क नहीं बनाती, गीता हर एक को हार्ड वर्कर बनाती है। गीता को सही समझना नहीं तो बड़ा पाप लगता है, भगवान की वाणी को अनर्थ करना। गीता हर एक को कहती है बचेगा गुनाहों से दो आत्मा। गीता में कर्म ही कर्म करने की कला है लेकिन तरीका बताया गया है। हम काम चोर नहीं बनना चाहते बल्कि हड्डियां तोड़ बनेंगे भगवान के नाम पर। जिसके मन में वैराग है उसकी तो शक्ति प्रिजर्व रहती है, बुद्धि की भी शक्ति, मन की भी शक्ति, तन की भी शक्ति। वो तो दिलो जान से कर्म करेगा क्योंकि उसकी वृत्ति तो मालिक पे टिकी हुई है। उसकी वृत्ति किसी चीज को लेना नहीं चाहती, देना चाहती है। जितना मुझसे बन पड़े मैं सेवा कर दूं, जितना मुझसे बन पड़े मैं इनके काम आ जाऊं। वो वैरागी कभी नहीं सोचता कि ये मेरे काम आ जाए या मैं इनसे ही अपना उल्लू सीधा करूं, कदापि नहीं। ये रजोगुणी स्वार्थी एक जीव सोचता है। परमात्मा का प्यारा कहता है मुझसे जितना बन पड़े मैं कर दूं, जितना मुझसे हो सके, सबकी भलाई में कहां रहे। परमात्मा बड़े खुश होते हैं विश्वास लाना है। जो अनेकों की भलाई करती रहती है या अनेकों की भलाई में अपने आप को लगाते रहते मेरे कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। पर अपना स्वार्थ ना हो, अगर अपने स्वार्थ से आप सेवा कर रहे हैं तो ये तो दुकानदारी हो गई, ये तो एक्सचेंज हो गया, आहा ये ठीक नहीं होता। आपको तो यही शोभा देता है कि जो मेरे से बन पड़े मैं अपनी ओर से करते जाऊं। वैराग बढ़ता जाएगा क्योंकि इससे अंतःकरण निर्मल हो जाता, आहा और भी निर्मल होगा। लो और मन को समझाइए, ताप, ताप का मतलब बुखार नहीं होता, ताप होता है मानसिक बेचैनी। ताप बेटे ता आ की मात्रा और पा ताप अर्थात मन के हलचल, मन की बेचैनी। कैसे? आपने संसारी आदमी से स्वार्थ से प्यार किया, स्वार्थ के कारण से मोह भी हो गया क्योंकि वो आपके बड़े अच्छे थे, आपके काम आते थे, बड़ी सेवा, अचानक ही उनकी किसी की मृत्यु हो गई। बेटा आपका बहुत अच्छा था, पतिदेव बड़ी अच्छी थी, बेटी बड़ी अच्छी थी, ये सारे अच्छे थे लेकिन इनमें कोई ना कोई चीज छोड़ जाता है। अब वो जलन आपके मन में मरते दम तक रहेगी, इसे ताप बोलते। कितना अच्छा मेरा बेटा था, कितना सुख देता था परमात्मा, या तो देना नहीं था फिर ले क्यों लिया। ये साड़ेगा आपके कलेजे को, आपके अंदर भी बेचैनी पैदा करेगा, आपके अंदर एक तंदूर जलता रहेगा बेचैनी का, बेकरारी का, इसे ताप कहते हैं। तमाम पुरुष कहेंगे जिन्हें वैराग लेना है वो प्राणी पदार्थों से ताप ना लें, संताप ना लें। देखिए संताप शब्द, शब्द को सुंदर बनाने के लिए संताप बना दिया गया। वो संताप ना ले, अपना कर्तव्य पूरा करें चूंकि कोई पता नहीं किसका किस दिन हमारे से वियोग हो जाए। ये भगवान ने पर्दे डाले हुए गए ताकि जीव अपने कर्म में ढील ना दिखलाए, लगे रहे अपने कर्मों में। तो इस तरह भी अगर सोचा जाए तो वैराग हमारा अपना बन जाता कि मां बहुत अच्छी, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, स्वार्थ न रखना वरना ताप में जलोगे। मां ने रहना नहीं, पिताजी ने रहना नहीं, पतिदेव ने रहना नहीं, पत्नी ने रहना नहीं, कोई बेटों ने रहना नहीं। रहेंगे तो शादी के बाद आपको सुख नहीं दे पाएंगे, फिर आपको ताप होगा, जलन होगी। ताप पर लगा लो जलन, मानसिक जलन। मानसिक जलन से फिर आदमी नहीं कर सकता भक्ति, क्योंकि मन में बेचैनी, मन में शिकवे गिले रहती है, मैं इनके लिए कितना करते रहे, अब ये मेरे जरा भी काम नहीं आते, या ये कितना ही अच्छा था, कितनी छोटी उम्र लेके आया, इत्यादि। इसको ताप बोलते हैं। तो आप जैसे जीव ताप से बच जाते हैं। ठीक है, परमात्मा हर एक अपनी अपनी उम्र लिखवा के लाया,
जितना मेरा बात चल रहा है कि मैं अपना रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूं, आगे मेरे भगवान जाने, ताप नहीं होगा। तो जिसको संताप नहीं होता उसके मन में वैराग होता, वैरागी को संताप नहीं होता, रागी को तो बात बात में संताप होता है, क्योंकि हर बात उसके अनुकूल नहीं हो सकती, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। जब प्रतिकूल होगी तो आपके मन में संताप होगा, लेकिन भगवान का प्यारा आप जैसे जो कल्याण कामनी और कल्याण कामी है, हम अपना कर्तव्य निभा रही है, आगे मेरे भगवान जाने, ये आपका तकिया कलाम हो जाएगा, आगे मेरे भगवान जाने। जहां तक मेरी सेवा पड़ रहा है, मैं आपकी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, आगे मेरे इष्टदेव जी जाने, अब आपको संताप नहीं होगा। कुछ हो भी जाए ठीक है, मालिक की मर्जी। मेरे मन में ये अरमान तो नहीं कि मैंने इसके प्रति कर्तव्य नहीं कर्म किया, ये अरमान तो नहीं कि मैंने कुछ इसके लिए किया नहीं, या मैं काम चोर बनी नहीं, नहीं। जितनी भगवान ने मुझे तौफीक या समर्थता दी, उस समर्थता के अनुसार मैं अपने आप को लगाता रहा, वेल एंड गुड। अगर ये भाव भगवान करे मन में आ जाए, मन में बैठ जाए, ये वैराग भड़काते हैं, ये वैराग जगाते हैं। बार बार विचार कीजिएगा, बार बार विचार कीजिएगा, विवेक आपका जवान हो जाएगा। हमें विवेक की बड़ी जरूरत है। विवेक को कहा गया ये गुरुओं का भी महागुरु है, इसी से एक भगवान का प्यारा बनता है। बिना विवेक जागे वैराग नहीं। अब हम भगवान की ओर आ जाए। अर्जुन के पूछे जाने पर कि प्रभु आपने जो मुझे योग सिखाया है मेरे मन को भा गया, इससे जीव कोई भी कल्याणकामी अपना कल्याण जल्दी कर सकता है, लेकिन योग कमाना किसने कहे? अर्जुन मन ने, तो मन तो चंचल है, जिद्दी है, मुंह जोर दिल, न काबू में आए किसी काल में, हवा बंद होती नहीं जाल में, तो ये फिर मैं कैसे योग कमाऊंगा? क्योंकि ये तो चंचल है, जिद्दी है, मुंह जोर है, हट्ठी है। ठीक है अर्जुन, मैं स्वीकार करता हूं जो तूने मन के लिए जिद्दी, हट्टी, मुंह जोर, सर्कस कहा है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा इसको 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 शांत करने का। हां, और उपाय भी कुछ चार पांच नहीं है, केवल दो है। इस पर जरूर विचार करें। क्या कहा भगवान ने? अभ्यास और वैराग में दिला जाए काबू में कुंती के लाए, और इसको चूम ले, इसके सिर झुकाए, घुटने टेके इसके सामने, ये हमारे योगेश्वर कृष्ण का फरमान है। अभ्यास से वैराग पैदा होता है। एक आग्र रहना मेरी देवी हो, आपके लिए भी बड़ा मीठा मीठा तोहफा लाया हूं। अभ्यास से वैराग पैदा होता है। अब अभ्यास पर प्रकाश डालू, बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनिएगा। अभ्यास किसे कहती है? किसी भी क्रिया को बारंबार एक लंबे समय तक बिना उबे उबे मन से करने का नाम अभ्यास है। अगर आपका मन उब गया, अभ्यास खत्म। लंबे समय तक नहीं करेंगे, अभ्यास खत्म। अभ्यास में रुचि नहीं रही तो अभ्यास खत्म। ये सारे गुण जरूरी है। एक लंबे समय तक बिना उबे उबे मन से रुचि के साथ किसी क्रिया को बार बार करने का नाम अभ्यास है। ऐसी अच्छी परिभाषा सिवाय हमारे ऋषियों के और किसी ने नहीं की। अब हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये अभ्यास बताए गए, हमारे ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों ने अनुभव करके हमें ये अभ्यास बताया। एकाग्रता पूर्वक मैं बार बार कह रहा हूं, शर्म कीजिएगा। सबसे पहला अभ्यास है प्रातःकाल उठने का। अगर आप में से अब तक कोई नहीं उठ रहा, अपने साथ ही आप जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। प्रातःकाल उठने से भगवान बड़े प्रसन्न होती है, वातावरण बड़ा अच्छा होता है, वृत्ति बड़ी जल्दी भगवान में लगती है, और जो विचार किया जाता है वो गहरा उतर जाता है। हर रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता। पिछले पहर अर्थात 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, इन्हीं के बीच में उठ के अपना नहाना धोना, पेट साफ करना, दातन कुल्ला, ये सब कर लो, डट जाओ भगवान के चरणों में।
ये सबसे पहला अभ्यास अगर कर रहे हो तो मेरे रोम रोम से आशीर्वाद, नहीं कर रहे तो मेरे रोम रोम से प्रेरणा, प्रेरणा लो मेरे से और उठने के आदि हो जाओ। हमें शोभा नहीं देता, हम कल्याणकामी है ना, तो हमें शोभा नहीं देता क्या कि हम लोग प्रातः काल ना उठे। भगवान भी उम्मीद नहीं रखते, उनको सवेरे जागना होता ही है, उस वक्त आप बैठिए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब हमारे अब वैदिक धर्म के अनुसार ये पहला अभ्यास का पहला लक्षण है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के चरणों में चुस्त होके हाजिरी देना, विचार करना, जाप करना, भगवान से प्रार्थना करना। उस समय किया गया अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता, उस समय की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, उस समय किया गया विचार गहरा उतर जाता है। इसलिए तो उसे ब्रह्म मुहूर्त या डिवाइन आवर बोलती है, डिवाइन आवर, दैट इज वेरी यूजफुल, एसेंशियल एंड रादर फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो आप अपने अंदर देखिए, ये पहला अभ्यास आप कर रही है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अभ्यास से वैराग पैदा होता है और वैराग आपको भगवान की ओर ले जाता है। वैराग आपका साधना साथी है, पत्नी आपकी जीवन साथी है, पतिदेव जीवन साथी है, धर्म और वैराग आपके साधना साथी है, ओए होए 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 होए, धन आपका गृहस्थी साथी है, लेकिन धर्म और वैराग ये आपके क्या गए, साधना साथी है, ये परमार्थ साथी है आपके, धर्म और वैराग, इससे परमार्थ बनना है और ये अभ्यास से पैदा होता है। और अभ्यास का पहला लक्षण है प्रातः काल उठ बैठना, जो मेरी देवी नहीं उठ रही अपने मन को समझा ले, इसी जन्म में कल्याण करके जाओ, भगवान करे मेरी वाणी सत्य सिद्ध हो, आप इसी जन्म में कल्याण करके जाओ, और कोई नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है अगर मन को खींच लिया जाए और संसार का कोई प्राणी पदार्थ हमें अपनी ओर ना खींचे, इसी जन्म में हो सकता है, संसार के किसी प्राणी पदार्थ में आकर्षण ना रहे, कोई हमें अपनी ओर मामला ना बनाए, इसी जन्म में हो जाएगा आपका कल्याण, इसी जन्म। भगवान ने ये हमें इशारा किया है कि इसी जन्म में किसका कल्याण होगा, एक ही बार भगवान ने कह के कमाल कर दिया, ना हो जिसको फिक्रे चुनाव कहे योग का उसको मसनद, न भूलना भगवान का फरमान, मैंने याद करवाना है आपको, जिसके मन में संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते वो योग की चौकी पर जम के बैठ गई या बैठ गए, ये नारायण के बोल है, किसी देवी देवता के नहीं, किसी संत महात्मा के नहीं, नारायण वाच है कि जिसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठते। हाय कितनी अच्छी अवस्था, और संसार संबंधी उठा के हम क्या करें, संसार में तो बड़ा अवगुण है, मैं तृप्ति नहीं करता, हाँ इससे तृप्ति नहीं होती, हम कहते हैं संसार तो कितना बेवफा है, मैं बेवफा नहीं हूं, मैं विश्वासघाती नहीं हूं, तो मैं टिकने वाला ही नहीं, मैं तुम्हें पूरी तसल्ली दूं कैसे, मैं टिकने वाली हूं ही नहीं, शाबाश, मैं ठहरने वाला हूं ही नहीं, शाबाश। लड़की को देखने के लिए आपके घर में कोई आया तो लड़के ने अचानक कह दिया, मैं जरा बात करना चाहता हूं जिंदगी की इसके साथ, आप क्या पिताजी मुझे, हां हां वो बैठे क्या बेटे, हम इस कमरे में है, तुम बात कर लो। तो बात करने लगे, आपने हर बात की सोच लिया है कि आपने मेरा जीवन साथी बनना है। लड़की ने कहा, श्रीमान जी मैं जीवन साथी आपकी कभी नहीं बन सकती। क्या, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, मैं किसी और को चाहती हूं। बहुत अच्छा, भगवान तेरा भला करे, तेने हजारों रुपया मेरा बचा दिया। इस तरह कई आए और कई चले गए। एक दिन बाप ने कहा, नी मनोर मां तैनू रब दी मार है या सानू रब दी मार है, तुझे कोई पसंद ही नहीं करता, पिताजी मुझे कोई पसंद करेगा भी नहीं, क्यों, जब भी कोई आता है मैं ये कह देती हूं मैंने तेरा साथ देना नहीं, घर पिटे मुंह तेरा, तू ये कहती है, मैं तो यही कहती कि मैं तेरा साथ देना ही नहीं, क्यों, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैंने तो वहां करनी है, ठीक है बेटे
तेरे पहले नहीं बताया, वही कर। इसलिए संसार का हर प्राणी पदार्थ कहता है कि नालायक क्यों अपनी अनमोल आयु मेरे पे तबाह करता है, मैंने तेरा साथ देना ही। जैसे उस लड़के लड़की के पैर छुए, क्या कर रहे क्या कर रहे? देवी, अब पति पति वाला सवाल ही नहीं, अब तो तू मेरी देवी है, मां है, मुझे चरण छू लेने दे। ऐसी सच्चाई से बोलने वाली कोई कोई होती है। इस तरह संसार को आप प्रणाम करेंगे कि भाई तूने कमाल कर दिया, लहराग आपका बढ़ जाएगा। अगर आप अपने मन में बार बार कहें कि संसार का हर प्राणी पदार्थ कह रहा है मैंने तेरा साथ नहीं देना, ना बेवकूफ बन, कोई और साथी ढूंढ। तो जीव का साथी तो फिर भगवान है, और तो कोई साथी है ही नहीं जो सदा रहे। ये तीन काम जो कर दे वही हमारे साथी है। एक तो हमेशा के लिए तीन दुखों को दूर कर दे, एक हमारा कल्याण कर दे, और तीसरा सदा रहने वाली शांति प्रदान करे। सिवाय भगवान की समर्थता ही किसी के पास नहीं। चलो बाकी बातें छोड़ दो, हमें सदा रहने वाली स्थाई शांति प्रदान करे। आप में से कोई खड़ा होकर कहे किसी में, किसी ब्रह्मा जी में, विष्णु में, ईश में, या इंद्र में, या किसी देवी में है इतनी ताकत? आपको भगवान की कसम मेरी रियायत ना करो, मैंने सच्चाई की बातें गीता की आपकी झोली में डाल ली, अब नहीं तो फिर किसी से पूछ के आ जाना। किसी में है समर्थता सिवाय भगवान के, हमें सदा रहने वाली शांति प्रदान करे। संसार का कोई प्राणी पदार्थ ऐसा माई का लाल गुरु का बाल है जो हमें शांति हमेशा रहने वाली एवलाइमेंट से परमानेंट हैप्पीनेस, अटर्नल प्रीमियर हैप्पीनेस हमें दे? कोई भी नहीं दे सकता। इंद्र को भी प्रकट कर लेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश अगर आपने प्रकट करके ये कहा तो बेटे नारायण की भक्ति करो, नारायणम भज। शंकराचार्य वेदांती थे, इतने चोटी के ब्रह्मज्ञानी थे, उनसे जब एक तीर्थ को तीर्थ करते हुए पहुंचे तो उनसे कई काफी देवियां और भाई जुट गए। इस समय के आप उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी हैं। हां तो हमें बताइए हम अपना कल्याण कैसे करें? उनके मुख से यही निकले थे, रो भी पड़े तो वेदांत को उपदेश नहीं दिया, वेदांत को उपदेश हर एक को नहीं दिया जाता, उन्हीं को दिया जाता जो पिछले जन्म के वेदांती थे और योग भ्रष्ट बन गए। तो फौरन उनके मुंह से निकला अगर तुम कल्याण के लिए मुझसे पूछते हो, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मद, कि फिर मेरे भगवान का भजन करो, गोविंद का भजन करो। बड़े उनके ये श्लोक जो 30 श्लोक है बड़े मार्के के वैराग से भरे हुए हैं उनके, कि फिर तुम्हें तुम सारे गोविंद का भजन करो। स्थाई शांति मिलनी वहीं से गए, करो अपने फर्ज, लेकर इनसे ये उम्मीद रख के नहीं कि ये हमें स्थाई शांति देंगे। लोग अगर यही भाव बैठ जाए आपका वैराग बढ़ता जाए। किसी में समर्थता नहीं, याद रखना, जो हमें स्थाई शांति प्रदान करे। भर नारायण आपको स्थाई शांति दे सकते हैं, और वो कब देंगे? जब शांति के लिए हमने जाल फैलाया था, इतना बड़ा जाल शांति के लिए फैलाया था, शांति इनमें है ही नहीं, फिर आपका मन पीछे हट जाएगा। और दृष्टांत देने में तो भगवान का कोई सानी नहीं है। दृष्टांत अच्छा, मन पीछे हट जाएगा, कैसे हट जाएगा? सुकेड़े जो हर शाय से अपने हवाले, जैसे कछुआ अपने अंगों को सुकेड़ लेता है, इस तरह मन अपनी आशाओं को सुकेड़ लेगा। जैसे कछुए के अंग, इस तरह मन की आशाएं अंग का काम करती है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, वो सब अपनी आशाएं सुकेड़ लेगा और पूरा रूपेण अपने भगवान में रख देगा। इसे अनन्यता कहती है, इसे खालिस भक्ति कहती है। नामे दया के 22वां श्लोक, जो करती है खालिस इबादत मेरी। और खालिस भक्ति क्या होती है? यक दिल हो जी में न रखे दुई। जो उनका मन बिखरा हुआ था अब इकट्ठा हो गया, यक कहते एक मन ही भगवान में लग गया। जो उन टुकड़े कर रखे थे कुछ मां के साथ, बाप के साथ, अब कुछ नहीं। अब संसार का आकर्षण, संसार का अट्रैक्शन नो मोर। ऐसा अभ्यास प्रातः काल करो ना, ये तो करने की विद्या है। जैसे महापुरुष कह रहे, बिना किए विद्या ना मिले, जीव पाखे की दौन।
जब तक पंखे को हिलाओगे नहीं, हाँ हवा नहीं आएगी, इससे जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे विद्या नहीं आ सकती। क्या दृष्टांत, क्या गजब का दिया महापुरुषों ने। पंखे को जब तक हिलाया नहीं जाएगा हमें हवा नहीं देगा, इसी तरह जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगी विद्या हमारे अंदर बैठेगी नहीं। विद्या तो हमारी मां सरस्वती है ना, वो बैठती भी तब है जबकि हम दिलो जान से लग जाते हैं। देन कम ऑन, देखो अब, क्योंकि भगवान कह रहे अभ्यास से वैराग पैदा होता है और वैराग बढ़ के आपको भगवान के साथ, चूंकि वैराग चारों ओर से आपको बचा लेता है, वैराग कहीं उलझने नहीं देगा, वैराग कहीं फंसने, दुनिया में आना बुरा नहीं पर दुनिया में दिल लगाना बुरा है। स्वामी जी के शब्द, दुनिया इसलिए हम भक्ति के भगवान के कल्याण के काबिल न रहे चूंकि उसको उलझा बैठे। आहा, किसने हमारे कान में ये फूंका ही नहीं, इन्हें मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार न करी, सोनी जिंदड़ी सोनिया ख्वार न करी, इन्हें मिट्टी दिया मूर्ता नाल प्यार न करी। है ये मिट्टी के बुत, भगवान अपनी ताकत रख के इनको चला रहे है, भगा रहे। देवियों चलो आगे, दूसरा अभ्यास, भगवान अभ्यास से वैराग कह रहे हैं। दूसरा अभ्यास क्या है, अभ्यास का दूसरा लक्षण क्या है, पहले तो प्रातः काल हुआ, दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण मैं आपको बताऊं। बारहवां अध्याय, बारहवां अध्याय 13वें श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक नित्य पढ़ा करो, अभ्यास है लगातार करना, और उसमें भगवान ने गुण लक्षण बताए हैं, गुण बताए हैं, क्वालिटीज बताई हैं, अपने पे अप्लाई करो। क्या कह, मेरे पर ये अप्लाई होती है? अगर एक ही श्लोक की, यहां तक व्यास जी ने कहा नहीं, श्लोक अर्धीन, कितनी कृपा, पहले का एक श्लोक कोई अपना लो तो कमाल, फिर का ना सही, श्लोक अर्धीन, अगर केवल आधे श्लोक के गुणों को अपना लो तो वैराग जाग उठेगा, विवेक जाग उठेगा। इतना भी क्या हमसे नहीं होता, हम कल्याण कामी है, इतना भी तो नहीं कर सकती। शाबाश, जैसे श्रीमान ने शिकवा दिया, मैं तेरे लिए कितनी कुर्बानी करता हूं, हाँ मैं तुझे कमाने भी नहीं दे रहा कि तू कमा सकती है, तुझे शौक था, लेकिन मैंने कहा ना तू मत कमाओ, तुम घर में रहो, और कितना मरता तू देख ही रही है, तूने जो कुछ कहा कभी मैंने इनकार किया नहीं, जो भी तू कहती ये कर रहे, मैं ये लानी, मैं तो फौरन, मैं ये कल तक नहीं कहता, मैं घर से स्पेशल उठ के चल जाता हूं, इतना करता हूं ना, मानती है ना, हाँ तो क्या तू मेरे मां बाप को भी खुश नहीं कर सकती, अपने तेरे ना सही मेरे मां बाप है ना, जब मैं तेरे लिए इतना मर रहा हूं तो क्या इन दोनों को तू नहीं खुश कर सकती। आज के बाद शिकवा नहीं होगा श्रीमान जी आपको, अब मेरा लानती मन समझ गया कि एक व्यक्ति मेरे लिए इतनी कुर्बानी करता है तो क्या मैं नहीं कर सकता। महापुरुषों ने इतनी कुर्बानी हमारे लिए की, मन को लानत मारो, यह तो कल्याण कामी नहीं बनना था, अगर कल्याण कामी बने तो क्या आदर्श लोग भी जीवन में नहीं अपना सकते। क्या फरमा रहे व्यास जी, श्लोक अर्धेन, इतनी तो हिंदी आप जानती हैं, अर्ध मैंने आधा, ये आगे डिग्री चलाएगी, अर्धेन केवल आधे श्लोक द्वारा जीव का कल्याण हो सकता है। श्लोक अर्धेन, आधे श्लोक अपना ले, एक ही अपना तो सही नहीं, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं ना, मैं तो कहीं आने जाने वाला या कहीं बाहर लेक्चर देने वाला नहीं हूं। आप एक आदर्श रूप आजमा के देखो उसकी मानसिक अवस्था क्या बनती है, इसका बार बार अभ्यास करो। यही 13वां श्लोक है, इसका आदर्श श्लोक ले लो, 13वें श्लोक से ही 12वें अध्याय की शुरू होते हैं भक्तों के लक्षण, उसके 13वें श्लोक का आधा पहला पहला हर श्लोक की दो पंक्तियां होती है, पहले को बोलते हैं पूर्वार्ध, निचले वाले को बोलते हैं उत्तरार्ध, तो पूर्वार्ध के कोई गुणों को ले लो ना, सी बाकी सारा हमारे लिए छोड़ दो, सिर्फ पहले ले लो, इतना ही ले लो, बस इतना ही पकड़ लो। कभी कभी हम देर से उठते तो आप 8वीं 7वीं क्लास की बातें हैं शायद, या 7-6 की बातें हैं, तो जल्दी जल्दी मां नहला देती और भोजन भी तैयार, सब्जी भी तैयार, मक्खन भी उन दिनों घर घर होता था, दही भी घर घर होती थी, मां में देर होगी मास्टर जी मारेंगे, और आई भी मैं पहला फिर तो मेरे हेडमास्टर का, तो हम रोते थे, फिर पेट में कितनी बार उठाती थी, उठी नहीं, तो मां मैं ये सारी चीजें नहीं खा सकता, अच्छा नहीं खाता ना सही, ये देखिए बासी रोटी, उन दिनों ताजा रोटी को नहीं पकाते थे,
रात की रोटी रखी गई, मक्खन का पेड़ा खा ले और एक छन्ना, छन्ना मैं कैसे समझाऊंगा आपको, ये छन्ना लस्सी का पी दे, वाह हाँ लंबा चौड़ा कटोरा यूं, शायद उसमें किलो आती होगी लस्सी, वाह तो ये पी दे, भाग जा पर दोपहर की रोटी मैं ले आवांगी, तू जा दौड़ जा। तो इतना तो ले, आधार तो बन जाए तेरा, माँ के अभी समझ जा देते पुत्र ये दूध लस्सी की नहीं कटोरे वाली इस वाली, और ये बासी रोटी और ऊपर मक्खन जो मैंने पेड़ा रखा ये खा ले, दोपहर तक तुझे भूखी लगेगी। अच्छा मामा इतना खा लेता हूं तो भाग जाता हूं, फिर मैं पहुंचे सारा कुछ खाऊं तो देर जो मार पड़ेगी। भगवान कहते अरे कमली नहीं तेरे से सकता, तो आदर्श लोग तो अपना ले, जैसे मां कहती थी अरे इतना तो मक्खन और ये एक रोटी खा के लस्सी पी जा, इतने ऐसे मन को समझा लो, ऐसा आप अपने मन को चोट मारो कि मन में आधा भी नहीं श्लोक अपना सकते, इसको अभ्यास कहते हैं। इसको हम देखें सीरियसली या मोस्ट सिंसियरली, बड़ी सच्चाई के पुत्रे बनकर और गंभीरता पूर्वक कि मैंने कल्याण करना है और मुझे इतनी छूट दी जा रही है कि हमने सिर्फ एक ही श्लोक आदर्श श्लोक के गुणों को ले लेना है। मौज बहार अभ्यास कीजिए। अभ्यास का तीसरा लक्षण, तीसरा लक्षण क्या है, भगवान का जाप करते रहना, भगवान को भूलना नहीं। अगर आप यही पकड़ लेंगे मैंने भगवान को नहीं भूलना तो वैराग भला कहा जाएगा। वैराग का मतलब क्या है, संसार का कोई प्राणी पदार्थ आपको ना खींचे, तो भगवान का बार बार जाप करने से हां भगवान खींच लेते हैं, संसार क्या खींचेगा, भगवान ही खींच लेंगे। शाबाश, एक कवि ने बड़ा मीठा ताना मारा भगवान को, ओ भगवान आप मुझे जवाब दे, मुंह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, आपने तो अवतार दिया था दुनिया को निर्मोही बना करके अपना प्यारा बनाने के लिए, जरा सुनना क्या श्लोक, मीठा श्लोक, ऐसा शायद आपने कभी दोहा नहीं सुना होगा, मुंह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टा मोहन रूप धरी मोही सब ब्रज नौर, आपने इतना सुंदर रूप बना लिया कि सब ग्वालों और ब्रजवासियों को मोह लिया, तो अवतार इसलिए था, मुंह मिटाने के लिए तो आप आए थे, उल्टा ही आपने सारों को खींच लिया, करना यही होता है। तो जब हम लगातार जाप करेंगे तो भगवान दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं, क्या संसार में फीका नजर आता है, क्योंकि भगवान ने हमें खींच लिया, भगवान ने हमें अपना बना लिया, संसार जीरो। कच्चे वैराग का मतलब यह है कि हमें फिर संसार खींच लेता है, कभी पतिदेव खींच गया, कभी पत्नी ने खींच लिया, कभी पुत्र के मोह ने खींच लिया, कभी धन ने खींच लिया, कभी संसार की कोई और चीज खींच के लग गई, और पक्का वैराग का मतलब क्या हो गया, संसार का कोई प्राणी पदार्थ आपको अपनी ओर खींच नहीं सकता, कोई भी प्राणी पदार्थ सिर सड़ा ले अपनी ओर नहीं खींच, इसको बोलते हैं तीव्र वैराग या इंटेंस नॉन अटैचमेंट। अगर ये तीसरा अभ्यास है कि मैंने हमेशा जाप करना है, इसी अवस्था में भगवान जी ने आपको और मुझे वचन दे रखा है, क्या क्या सदा मेरा पैगम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको, क्योंकि संसार खींचे गई नहीं, संसार अपनी ओर खींच ही नहीं सकेगा, संसार अपनी ओर खींच ही ना सकेगा। शाबाश, और जरा एक दृष्टांत, कालीनाग जिसने यमुना जी को वैशैला बना दिया, जो गैया और ग्वाला पानी पीता है वही ढेर हो जाता है, मर जाती है तरफ तरफ के, आप सबने सुना है, हाहाकार मच गई। नंद बाबा उनके मुखिया थे, चिल्लाए जाकर के यह हाल हो रहा है। नंद बाबा ने कहा हां आपकी मेरी कई गैया मर गई हैं, ग्वाले मर गए हैं, तो अब हम आपके सिवा किसके पास जाए, ठीक अवतारी भगवान भी वृक्ष की ओट में ये सब बातें सुन रहे थे, सिर हिला रहे थे, और बाबा नंद बाबा बड़ा हैरान परेशान है, अब मेरा मुखिया रहना असंभव है, कि अगर मैं इसका कोई इलाज ही नहीं करता तो मुखिया किस बात का, वहां से पीछे से छुपके छुपके हट गए भगवान कृष्ण और खेलने लगे सबके साथ, आज तो गेंद का खेल खेलेंगे,
खेला गया, ये गेंद आपकी तरफ, आपने मुझे दिया, मैंने आपकी ओर फेंका, आपने मेरी ओर फेंका, अब भगवान जी की बारी आई। उसने दाऊ को कहा अभी मैं फेंकता हूं, जान बुझ के जोर का फेंक के यमुना में गेंद चली गई और दाऊ चढ़ गया, मेरी गेंद तो मैं गेंद लेके छोड़ूंगा, मैं तुझे पहले कहा था तू नटखट है, तू कोई ना कोई जब भी आता है कोई ना कोई श्राद्ध करता ही है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें वही गेंद ला के देता हूं। तो जब ऊपर वृक्ष पे चढ़ गया जिसकी एक शाखा श्री यमुना जी में जा रही थी, सबने रोका ना कृष्ण, और ताऊ को मुक्के मारने लगे, ऐसा कृष्ण कहां लाएगा, मार नहीं चला। खैर जो कुछ हुआ काली नाग के साथ और उसकी पत्नियों के साथ आप जानते ही हैं। अब ने सुनाया प्रभु मैं तो आपका सेवक शरण हूं, शरण में हूं। पत्नी ने भी कहा कि आपने हमें आते ही मां कहा है, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, आपने हमें मां कहा है। हां भगवान मुस्कुरा के लेंगे, हाँ मैंने आपको सबको मां कहा है, उनकी पत्नियों को, हां हमारे सुहाग को बने रहने दो, जरूर अगर ये मेरी शरण ले ले तो मैं सुहाग आपका उजाड़ूंगा नहीं, ठीक है। ता उन्होंने कहा आप मुझे कहो मैं कहां रहूं, फला स्थान पे रहो, वहां गरुड़ जी तंग करते हैं, मुझे गरुड़ जी नहीं रहने देते, अब गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, सुनना ये बात, आप गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, कैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पैरों का चिन्ह रख दिया है, गरुड़ देखकर अब सिर झुका के प्रणाम किया करेगा, मेरे पर बड़ा असर पड़ा जे, बड़ा असर पड़ा जे, अब ये मेरे चिन्ह अमिट है, मिटेंगे नहीं, अब जब ये चिन्ह देखेगा उसका सिर झुक जाया करेगा, वो आपको प्रणाम करेगा, आद है हां। पत्नी ने कहा हम आपके फनों पर देख रहे हैं इनके अमिट चिन्ह, ऐसा ही हुआ। तो इसी तरह वहां पर महापुरुषों ने भागवत पुराण के इन श्लोकों का अनुवाद किया कि जो सदा ही भगवान का नाम लेता रहता है उस पर अमिट छाप पड़ जाती है, अंतःकरण पर, संसार पर अपनी दाल नहीं गला सकता, हाय हाय संसार का वहां दाव पेच नहीं चलती है, मेरी बेटी मेरी मैया लगातार जब वृत्ति लगी रही तो एक नियम है हमारे मनोविज्ञान का, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपने शुरू में सोचते रही मेरी शादी होनी है, मेरी शादी होनी है, देख लो आपकी शादी हुई, और परमात्मा कसम जब से हमने होश संभाली हमने कहा ना हमने शादी नहीं करनी, पिताजी का अच्छा हाल नहीं है, मां जी रोती रहती हैं, ये जो जवाई मिले पिताजी को ये अच्छे नहीं मिले, हम ये सोचते रहते हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी, हमने नहीं करनी, तो जैसा सोचते रहे हालात वैसे बनते गए, ये तो प्रत्यक्ष हमने देखा। आप सोचते रहे हमने शादी करनी है, कोई अच्छा वर्ग घर मन मिलेगा, हमारी कदर करेगा, आपकी शादी है लेकिन मैं आपके सामने सेवा करता हुआ बैठा दिखाई दे रहा हूं, तो जैसा हम सोचते रहेंगे हालात हमारे वैसे बनते जाएंगे, जब भगवान के विषय में सोचते रहेंगे अंदर के हालात हमारे डिवाइन बन जाते गए, अंदर के हालात हमारे दैवी बन जाते गए। अगर आप यही कर लो तो संसार अपना दाव पेच नहीं चलाएगा, जैसे काली नाग को हमारे इष्टदेव ने कहा अब मेरे पद चिन्ह अमिट हो चुके हैं, अब तो वो चिन्हों को देख करके प्रणाम करेगा, चूंकि वो मेरा वाहन है, वो मेरी सवारी है और मैं उसका सवार हूं, वाह वाह मेरे कृष्ण वाह, वो मेरी सवारी है मैं उसका सवार हूं, बिल्कुल अब तेरा आदर मानूंगा। एक बार जुट जाए बस फिर तो संसार फीका पड़ जाता, संसार अपनी रौनक, संसार अपना आकर्षण, संसार अपना अट्रैक्शन, संसार अपनी प्रियता, संसार अपनी रमणीयता छोड़ देता। अभ्यास से वैराग पैदा होता है, कितना अच्छा हमारे इष्टदेव जी कह रही हैं, अभ्यास वैराग की मां कौन है, अभ्यास, अभ्यास किसे कहती है, विवेक, अभ्यास का दूसरा नाम विवेक है, पर मैं अभी विवेक नहीं कहता, अभ्यास ही कहूंगा। शुभ क्रिया जारी कर दो लगातार, इससे आपका मन संसारिक टंटों से, संसारिक गंदी वृत्तियों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान शक्ति देती रहती है, प्रभु ताकत देती रहती है, बार बार आपको ताकत देंगे अगर हम लोग उनके योग्य बनते जाएंगे। बस मौज बाहर। अभ्यास का चौथा अंग, चलो आगे क्या,
अपना निरीक्षण करना, हाय हाय, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी जांच करना, सुनो मेरी देवी और सजनों, अपने अंदर गोता मारना, क्या देखना, मेरे में कौन से अवगुण रह गए, मेरे में फला फला अवगुण बहुत थे, अब कौन से रह गए हैं, जो रह गए गए भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद मेरी ये कमजोरियां दूर करो, मेरे श्याम सुंदर हो सर्व समर्थ मेरे प्रभु, मेरी ये कमजोरी दूर कर दो, मुझे नजर आते मेरे में क्रोध आ जाता है, मुझे कभी कभी काम की वृत्ति छेड़ देती है, मेरे में कभी लोभ भी आ जाता है खाने पीने पहनने का, प्रभु ये मेरी दूर कर दो, आप अंतर्यामी हैं आप जानते हैं, इसको दूर करो मेरे प्रभु, इसको दूर करो। जब आप बार बार गिड़गिड़ाएंगे तो श्याम सुंदर के लिए ही आप गिड़गिड़ा के कहती हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो आपकी सुन लेंगे और आपको ताकत देंगे। बड़े इस पर जोर दिया हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी ने इस पर बड़ा इंसिस्ट किया या अनुरोध पूर्वक कहा है कि अपने अवगुणों की ओर ध्यान दो। शादी के बाद आपको मेला कुचैला गंदा मंदा बन के रहना उचित नहीं है, क्योंकि शादी आधार भी शरीर के आधार पे हुई है। हाँ, अच्छा बन के रहा करो, नहा धो के रहा करो, अच्छे कपड़े, ताकि आप अपनी सास को अच्छी लगो, अपने ससुर को अच्छी लगो, अपने पति को अच्छी लगो, अपनी दीवर और अपनी ननदों को अच्छी लगो, उनको बड़ा गौरव होगा कि हमारी पत्नी हमारी बहू कितनी अच्छी है, हमारी भाभी कितनी अच्छी है। शादी के बाद फिर सुंदर बन के रहना चाहिए, इसी तरह भगवान का प्यारा बनने के बाद अंदर की गलाजत निकाल देनी चाहिए। जैसे नई भाई बहू को अच्छा नहीं लगता गंदा मंदा रहना, सबका नाक कटाएगी, इस तरह भगवान के प्यारे को अच्छा नहीं रहता, अंदर की गलाजत अपने अंदर बनाए रखना ना। अगर आप समझते हैं मेरे में इतनी शक्ति नहीं है इसको निकालने की, फिर अंतर्यामी भगवान का अंदर रहने का फायदा ही क्या हुआ, अगर ऐसे वक्त उनसे ताकत ना मांगी गई, ऐसे समय में अगर उनसे शक्ति नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे। भगवान मैं तो आपका प्यार आपका अपना कल्याण करना चाहती हूं, ये वृत्ति ही नहीं करने देती, मांगो ताकत, निकालो इन अवगुणों को। तो आगे क्या कहा जाता है, जो इस तरह अभ्यास कर करके भगवान से शक्ति ले करके अपने अवगुणों को निकाल देता है, अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण में वैराग जागता है। वैराग गंदी है अंतःकरण में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अब में नहीं रहता। जब ये गंदी वृत्ति होती है तो उनमें राग होता है, मोह होता है अनेकों के प्रति। याद रखना मेरी देवियों, जब हमारा अंतःकरण गंदा हो तो मोह होगा जगह जगह, एक एक छोटी चीज के साथ मोह हो जाएगा। और जब अवगुण हम निकाल देती है निरीक्षण करते हुए, हाँ, तो फिर वहां विवेक वैराग दोनों आ जाते हैं। कहती हैं, आपने शायद सुना हो, मैंने पढ़ा भी है और बात सच होनी है, तभी तो ऐसा महापुरुष कह गए कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है और धातु में रखोगे तो फट जाएगा। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, किसी और धातु के बर्तन में फट जाता है, इतना ताकतवर दूध होता है, शाबाश, इतना उसमें इतने सेल स्ट्रांग होते हैं कि सोने के बर्तन में टिकेगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो वो बात हमने देखी, महापुरुष ने अनुभव की हमें बता गए, लेकिन ये तो हम अनुभव कर देंगे कि वैराग रूपी ताकत एक डिवाइन पावर जी किसी सुंदर अंतःकरण में टिकती है, गंदे अंतःकरण में नहीं टिकती। ध्यान देना मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, वैराग बब्बर शेर हां अच्छे अंतःकरण में टिकता है, गंदे अशुभ अंतःकरण में नहीं टिकेगा। संसारी आदमी को वैराग क्या क्या पता, उन्हें क्या पता जिनमें रजोगुण है, जिनमें गंदी वृत्तियों का बोलबाला है, राग द्वेष का बोलबाला है, उन्हें क्या पता वैराग क्या होता है, वैराग को वो सुनना भी नहीं चाहते। हाय, कि महापुरुषों की यह आंतरिक अवस्था संसारी आदमी को पता ही नहीं लग सकता, वो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। महापुरुषों की रमजी ये दुनिया वाले क्या जाने। आगे दृष्टांत देखो क्या दिया, फंसा दल दल में कछुआ। अरे सुनना, मैं तुम्हारे लिए बड़ी मीठी मीठी बातें अपने भगवान से लाता हूं, बड़ी कल्याणकारी बातें मैं अपने प्रभु से आपके लिए प्रसाद रूप में लाता हूं। महापुरुषों की रमजी संसारी आदमी क्या जाने,
फंसा दाल दाल में कछुआ, गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। दृष्टांत देखिए क्या कमाल कर दिया। फंसा दाल दाल में कछुआ, गरुड़ की रफ्तार क्या जाने। गरुड़ कितनी चौकड़ियां भर के जा सकता है, दल दल में फंसा हुआ कछुआ बलक कैसे जानेगा। हां, संसारी आदमी को वैराग के बारे में क्या पता। ये तो जिनके अंतःकरण निर्मल होते जा रहे हैं वो समझती हैं कि वैराग कितना अच्छा गुण है। और आएगा जब आप निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करो मेरे में क्या कमजोरी रहेगी, मेरी वो ड्रॉबैक या फॉलिंग कौन सी बाकाया है, तो मान गए आपके पास ताकत भगवान से मांगो। आप समझती मैं नारी चोले में उम्र में इतनी शक्ति नहीं, पर आप में कौन है, परमात्मा। और वो खुद कह रहे हैं मैं हूं आत्मा मिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। अगर इस पे नहीं तो आगे और बोलते गए, वो सब हस्तियों को घुमाता रह गए, वो माया का चक्कर चलाता रहे। वो हमारे इष्ट देव है, वो हमारे इष्ट देव है, मांगो उन ताकत। तो मेरे सजनों, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे बार बार कि मैंने ये कमजोरी निकाल ली है, मैं हाथ धोकर पीछे पड़ गया हूं, मुझे लानत, ये कमजोरी मैंने रहने नहीं देनी, निकल जाए, बिल्कुल ही रहेगी, वैराग जी आपके अंदर आ जाएंगे। वैराग आदमी में हम यही प्रसंग चला हुआ है, तीर वैराग हमारा कैसे बने। मंद वैराग तो हमारे पास है, पर मंद वैराग से बात बनती नहीं, बात बनती है इंटेंस से, तीव्र से। तो तीव्र वैराग इन गुणों से बनता है, जैसे महापुरुषों ने बताया, जैसे अनुभवी महापुरुषों ने अनुभव करके हमें समझा दिया, वो आपके सामने में रख रहा हूं। इसको अभ्यास करो, बार बार करो, बार बार करो, इसको बार बार आवृत्ति कीजिएगा, वैराग जी आके आलती पालती मार लेंगे, वैराग आपके अंदर बैठ जाएगा, ये आपके अंदर अपना बना लेगा। बार 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 ये अनुभवी महापुरुषों के कुछ बोल एक कॉपी पर लिख लो और उनका रोज अभ्यास करो। काफी तो मैंने यहां बोले भी हैं, आप शास्त्र पढ़ती रहती हैं, कुछ आपको भी एक कॉपी पे लिख लो और ऐसे बोलों को बार बार अभ्यास करो। जैसे मैं आपको कुछ दृष्टांत रूप में दूं, ना वो भी ले गए कुछ साथ जो मुल्कों के वाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या ले गया भड़वा बदुआओं के सिवा, तरसा गया मार गया लोगों का धन, पर मनुआ देखने क्या जाती बार ले गया। कफन से दोनों हाथ बाहर निकाले कि मैंने गलती की है, कोई मेरी तरह और मूर्ख ना बने। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। और इस तरह बोल लिख के उसका अभ्यास किया करो। जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। ये मन को चोट मारती है और वैराग जाग उठता है। मारो चोट, जैसे बीन बजा के हम सांप को बिल में से निकाल लेती हैं, इस तरह महापुरुषों के बोल बीन की तरह है जो सोए हुए हमारे वैराग को जगा दे। जगाओ अपने मन को, ये बोल बड़े मीठे होते हैं महापुरुषों के और बड़े काम आती हैं। ओ मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी अच्छी माताओं और मेरी नेक बेटियों, जगाओ अपने आप को, जगाओ। इतने कमाल के बोल गए लेकिन अनुभवी महापुरुषों के, जिनके बोलने से, जिनके अभ्यास करने से हमारा मन जाग उठे, हमारा मन असलियत की पहचान करे। इनको बार बार कहो, भगवान के इस फरमान को अनेकों बार अभ्यास कीजिएगा। यही गौर करना कले छीन, जन्म मौत पीरी मरज दर्द दुख। इसको बार बार कहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। संसार में जन्म है, मरण है, नाना प्रकार के रोग है, नाना प्रकार का संयोग वियोग और बढ़ापे का दुख ही दुख है। बढ़ापा हमारे हिंदुस्तान में पता जी आपको, अगर ना पहले आदमी संभला हुआ हो तो बढ़ापा नित दा स्यापा। ठीक कहा किसी ने, नित कोई ना कोई टंटा रहेगा, कभी सिर को, कभी पैर को, कभी पेट को, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये आपकी आंखों के सामने है, ये भगवान जी आपके लिए स्पष्ट कह रहे गए। और बोलो अपने भगवान का ये फरमान का अभ्यास करो, लिखकर कापी। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। जो सुख का भी आगाज और अंजाम है, दाना कहां उसे खुश काम। इसको बार बार कहो कि मेरी मनवा देख तेरे भगवान क्या कह रहे हैं। अगर लोगों के साथ मन लगा के इनसे थोड़े दिनों की खुशी ले भी रही, यही खुशी गम में बदल जाएगी।
यही खुशी तेरे दुख में होगा, तुझे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। इससे और संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो हमेशा सुख बना रहा है और दुख में बदल जाता। जब आप ये श्लोक बार बार पढ़ेंगे आपका मन प्रभु में लगेगा, आपका मन फिर बार धक्के नहीं खाएगा। कितना मार्के का है पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, मेल मिलाप से, पत्नी का ताल्लुक, पति का ताल्लुक, पुत्र का ताल्लुक, धन का ताल्लुक, माँ बाप बहन भाई का बड़ा अच्छा ताल्लुक बनाए रखते, पर इससे बाद में दुख मिलता है। ऐसी बोल अलग लिख के इनकी आवृत्ति किया करो, इनको दुराया करो मेरे सजनों, मेरी बेटी, इनकी गहराई में जाओ, आपको वैराग मिलेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आने सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।